नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज चैनल। इस वक्त हम पलामू जिले के मेनी नगर निगम में हैं। आप देख सकते हैं जहां पर हम खड़ा हैं, ये पुलिस लाइन स्टेडियम है। और पुलिस लाइन स्टेडियम में हम खड़ा क्यों हैं, क्योंकि पुलिस लाइन स्टेडियम में जहां पे बड़े बड़े अतिथि लोग आकर लंबे लंबे भाषण देते हैं, उस स्टेडियम का कंडीशन कितना जर्जर है, उसी को हम दिखाने के लिए आज पुलिस लाइन स्टेडियम आए हैं। चलिए चलते हैं हम अंदर और उस सारी चीज़ों को आपको दिखाते हैं कि पुलिस लाइन स्टेडियम कितना जर्जर स्थिति में है, कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। देख लीजिए, ये पुलिस लाइन स्टेडियम जो नगर निगम का सबसे बड़ा स्टेडियम कहा जाता है, जहाँ पे देख लीजिए सुबह सुबह कितने लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आए हैं, कई लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। और यहाँ पे बड़े बड़े ये जो मंच है, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम भी किया जाता है। अभी देखिएगा, आने वाले 26 जनवरी को यहीं पर प्रोग्राम होगा और यहीं से पलामू के DC अपने विकास की गाथा गाएंगे। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि जहां से वो विकास की गाथा गाएंगे, वहां की स्थिति कितनी जर्जर है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। यहां पे सीढ़ी का देख लीजिए किस तरह का कंडीशन है, ऊपर कैमरा में से चाहेंगे पूरा दिखाएं। ये कभी भी घटना घट सकती है, बताइए। जब यहाँ 26 जनवरी की इतना सारा भीड़ लगेगा, और यहाँ पर अगर बाई दबे हम नहीं चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर सीढ़ी टूट कर गिर जाए तो किसी का मौत हो सकता है, किसी का पैर भी टूट सकता है, तो क्या मेदिनीनगर के महापौर और नरशंकर जी को क्या नहीं दिखाई देता है? ये पुलिस लाइन में देख सकते हैं, ये पुलिस लाइन स्टेडियम का शौचालय है। आइए हम अंदर का कंडीशन दिखाते हैं, कैमरा में से चाहेंगे वो अंदर का कंडीशन दिखाएंगे। पुलिस लाइन में स्टेडियम का ये शौचालय है, देख लीजिए किस तरह का कंडीशन है। अभी हम और दिखाते हैं आपको पुलिस लाइन स्टेडियम के पूरी कंडीशन हम आपको दिखाते हैं। इधर देख लीजिए, ये पुलिस लाइन स्टेडियम का ये कंडीशन कितना साफ सफाई होता है और कितना शौचालय किस तरह रखा जाता है। देख लीजिए, ये पुलिस लाइन स्टेडियम का शौचालय है, देख रहे हैं ना, बिरसा न्यूज के कैमरे पे आप देख लीजिए, पुलिस लाइन स्टेडियम का शौचालय है किस तरह कंडीशन में है। यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, बड़े बड़े अतिथि लोग आते हैं, और वो अगर किसी को शौचालय लगे तो क्या इसी शौचालय में जाएंगे? क्या बताइए, हमारे कैमरे पर बताइए, जो लोग भी देख रहे हैं बताइए, क्या इसी शौचालय में जाएंगे? कहते हैं यहाँ पे सुबह सुबह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता कि जिस तरह जर्जर कंडीशन में है, इसे बनाने का काम करें। चलिए, हम यहाँ के जो लोग आए हुए हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार लाठ। क्या यहाँ पे आप मेदिनीनगर के निवासी हैं या क्या हैं? मेदिनीनगर के निवासी हैं। ये आपके सामने जो पुलिस लाइन स्टेडियम के जो जर्जर स्थिति है, क्या महापौर या उप महापौर को नहीं दिखाई देता है? महापौर उप महापौर कोई आके यहाँ नहीं देखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज को या DC महोदय को भी चाहिए कि आ करके यहाँ देखें और देख करके इसका फैसला करें। आने वाले 26 जनवरी है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे, पलामू के DC यहीं से अपने विकास की गाथा भी गाएंगे। और लेकिन बताइए, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ अनहोनी घटना हो, अगर बाई तो कुछ घटना होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? पिछले विगत 4-5 सालों में यहाँ कई बार प्रोग्राम के दौरान भी गिर चुका है और कई आदमी घायल भी हुए हैं, लेकिन DC महोदय से यही कहना चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द देख करके बनवाने का कष्ट करें। मेरा नाम नवनीत कुमार है। क्या यहाँ पे आम नागरिक हैं या कुछ जॉब? आम नागरिक हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि ये पुलिस लाइन की प्रॉपर्टी पुलिस विभाग की है। कहा जाता है कि ये मेदिनीनगर के अधीन में आता है। मेदिनीनगर में तो बहुत चीज है, तो हर विभाग का अपना अपना अलग बजट आता है। पहले ये जनता के पैसा से, शुरू में जब यहाँ पे PK सिद्धार्थ साहब SP हुआ करते थे, तो पूरे पलामू के गणमान्य लोगों को यहाँ पर एक मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के कहे कि पलामू प्रमंडल में एक स्टेडियम होना चाहिए। उन्होंने पुलिस लाइन को दे दिया कि इसी में बनाइए, यहाँ सारा खेलकूद होता है। स्टेडियम बन गई, लेकिन कुछ दिन तक ठीक चला। अमिताभ चौधरी साहब जब यहाँ पर SP हुआ करते थे, बहुत मैच वच कराए हुआ और लोगों आम लोगों को खेलने के लिए मिलता था। अब क्या है कि 6:30-7 बजे के बाद पुलिस लाइन बंद कर दिया जाता है आम लोगों के लिए। बड़ी मशक्कत से DC को SP को पैरवी करा के कोई खेल आयोजन होता है तो ग्राउंड मिलता है। तो अब ये बताइए कि दूसरा विभाग या आम आदमी, पहले जो गणमान्य लोग थे वो आहत हो गए कि आम आदमी को अभी मिलता नहीं है, तो क्यों पैसा लगाएंगे? ये नगर पालिका का जमीन है भी नहीं, जब भी कुछ होगा तो यहाँ पर लग जाएगा, बैन लग जाता है आने जाने के लिए। कहा जाता है कि मेदिनीनगर निगम के अधीन आता नहीं है, अधीन मेदिनीनगर का सब जमीन उन्हीं का है, ऐसा तो नहीं होता है।
सरकार के अधीन सारा विभाग है, उनका नगर निगम अलग विभाग है, ये पुलिस विभाग है, डीसी का अलग ई है, शिक्षा विभाग अलग है, हॉस्पिटल की ज़मीन में आप जाके बना दीजिएगा स्टेडियम, तो ये तो मान लीजिए कि एसपी साहब उस समय दिलेरी दिखलाए कि गणमान्य लोगों को बुलाए और सब लोग इसमें, उस जमाने में हमको याद है कि 90 के आसपास में, 90-91 में ये स्टेडियम बनना शुरू हुआ था, पहले ऐसे ही मैदान था ये, आप लोग उस समय हो, मैंने जन्म हो गया होगा, हो सकता है। अगर आपकी वीडियो का पलामू के डीसी देख रहे हैं तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कहेंगे कि ये ग्राउंड निश्चित रूप से सुरक्षा के चलते पुलिस को भी मजबूरी हो जाती है कि आम आदमी को ज़्यादा नहीं देगा ये आदमी, मैंने ये ग्राउंड हमेशा, उन लोगों का भी हमेशा ट्रेनिंग होता है, कुछ काम होते रहता है, खेल के लिए एक अलग मैदान बनना चाहिए। जो जर्जर कंडीशन है, वो तो पुलिस विभाग बनवाएगी, उसका बजट आएगा, तो आम डीसी साहब तो पूरे विभाग के मालिक हैं, वो तो किसी को भी कोई विभाग को लेकर पैसा बनवा सकते हैं। किसी आने वाला 26 जनवरी में यहीं पे प्रोग्राम होगा, अब बाय द वे मान लीजिए कुछ घटना हो जाए, हाँ ये भी तो हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि घटना कभी भी हो सकती है, ये अपना बनवाना चाहिए और जिस विभाग के अंतर्गत है उसमें भी बहुत सारा पैसा आता होगा निश्चित रूप से, तो उसके अधीन ही बनवा दिया जाए। नाम हुआ, देख सकते हैं पुलिस लाइन में स्टेडियम का जर्जर स्थिति है, यहाँ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? और जगह और जिले की अपेक्षा यहाँ का स्टेडियम तो मेंटेन ही है, रही वो जर्जर अवस्था, वो जर्जर अवस्था नहीं है, थोड़ा पेंट उड़ गया है, पेंट नहीं आप देख लीजिए, पूरा का पूरा नीचे का सीमेंट खसक गया, पूरा छड़ दिख रहा है, नए बिल्डिंग से कई गुना मजबूत बिल्डिंग है और ऊपर कोई नहीं चढ़ता है, पब्लिक के अलाउ नहीं है, उस पर सुरक्षा प्रहरी के हिसाब से ऊपर बनाया गया है, जब कोई प्रोग्राम होगा तो पब्लिक बेसिकली नीचे बेसमेंट में बैठते हैं, साहब लोग हैं। अच्छा मान लीजिए आने वाले 26 जनवरी का यहाँ प्रोग्राम होगा, बहुत सारे भीड़ भाड़ रहेंगे, बहुत अतिथि लोग आएंगे, वहाँ अतिथि लोग के नीचे बैठने की समुचित व्यवस्था है, वो सेफ्टी के हिसाब से सब चीज़ देख करके कोई प्रोग्राम होता है यहाँ, और ये पुलिस का ग्राउंड है, इस पर जब तक पुलिस नहीं चाहेगी, आम पब्लिक अलाउ नहीं है, यहाँ बहुत सारा सिक्योरिटी का ख्याल है, कुछ सेफ्टी का ख्याल है, कुछ गोपनीयता का ख्याल है, तो हम नहीं है, मेरा इसमें सवाल है कि जो जर्जर स्थिति है, जर्जर हम आप जज नहीं कर सकते, उसके लिए बिल्डिंग विभाग है, उसके लिए इंजीनियर है, हम लोग जो दिखाई देता है हम उसको नहीं कर सकते, दिखाई तो ताजमहल भी आपको जर्जर नजर आएगा, ये ताजमहल को आप चुप कभी, ताजमहल का तो अंदर का रड नहीं दिख रहा, इसका तो पूरा अंदर का रड नहीं दिख रहा ना, चाचा देखिए हाँ सर दिख रहा ना, चाचा हाँ हाँ दिख रहा ना, हाँ जर्जर तो है, इसको बनाना चाहिए। अब उसका शौचालय देखें ऊपर चढ़ कर किस कंडीशन में है, शौचालय जाके देखिएगा किस कंडीशन में है, हम नहीं देखे, पूरा का पूरा टूटा हुआ है, अगर मान लीजिए किसी अतिथि लेडीज आएंगे उनका अगर शौचालय लग जाए तो कहाँ जाएंगे? वो आगे बनाया हुआ है, आगे जाएंगे, हाँ आगे जाएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, हाँ ऊपर वाला देखिएगा क्या कहना है बाबा, ऊपर वाला मरम्मती कार्य होगा तब जाएंगे महिला लोग, कार्य क्या वो बना ही नहीं है, शुरू से ही नहीं बना है, बताइए बनेगा कब बनेगा, तो एसपी साहब चाहेंगे तभी तो बनेगा, एक तो बनकर गिर रहा है और एक बनेगा। क्या नाम है? मैं डॉक्टर एमपी सिंह हूँ, बगल में ही रहता हूँ, और आप किस इससे आ रहे हैं? बिरसा न्यूज को आपको धन्यवाद देंगे कि कम से कम जो समाज की समस्याएं हैं, ये थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत है। हमें देखिए कुछ दिनों पहले यहाँ से एक वीडियो वायरल किया जाता है, उस वीडियो से हमें संदेश मिला कि पलामू जिले में जो स्टेडियम है उसका जर्जर स्थिति, आप जाकर वहाँ मुआयना कीजिए, हमने उसी वीडियो को देखकर हम यहाँ पे आए हैं। इसकी देख रेख करने के लिए तो है स्थापित जो एसपी साहब के अंडर या जो भी है वो करेंगे, लेकिन मेरा कहना एक जनरल चीज़ है, आपको धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि आपने ध्यान दिया इस पर, तो जितना भी सरकारी संस्थाएं हैं जितनी भी है, मैंने एक की बात छोड़िए, देखिए बगल में बगीचा है, पेड़ रोप दिया गया, उसका कोई देखने वाले नहीं है, सड़क की व्यवस्था या ये स्टेडियम की व्यवस्था या कोई भी डिपार्टमेंट की है, जो सरकारी संस्था लगी हुई है चाहे बिजली हो ये इलेक्ट्रॉनिक हो जो भी, सबकी हालात ऐसी है, और आप सवाल उठा रहे हैं इस पर, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको थोड़ा ध्यान तो जाएगा सरकार को। तो आप डॉक्टर हैं, आप बताइए कि स्टेडियम नगर निगम के अधीन आता है या पुलिस विभाग के अधीन आता है? तो नहीं जानते हैं, लेकिन डीसी साहब के अंडर जानते हैं कि सारे डिपार्टमेंट से उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहिए कि हाँ इस पर भी ध्यान दे जैसे और डिपार्टमेंट है, लेकिन उनका इतना मल्टीफेरियस जॉब है, इतना सारा डिपार्टमेंट है
कि अपने कम से कम आदमी को रिप्रेजेंटेटिव को भेज के उस पर उचित कार्रवाई करने की व्यवस्था करें। पलामू के डीसी यहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट होता है, वो टूर्नामेंट में फीता काटने आते हैं, क्या उनको इस तरह का कंडीशन दिखाई नहीं देता? देखेगा, अब आप इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ऐसी जर्जर व्यवस्था है, तो उसका काम करेंगे, अब संज्ञान जरूर लेंगे। अगर आपकी वीडियो का पलामू के डीसी देख रहे हो तो आप उनको क्या संदेश देना चाहें? संदेश देना चाहें कि हाँ, इस पर भी ध्यान दे, उनके हाथों में तो सारा डिपार्टमेंट ही, और आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तो जरूर आकर्षित होंगे। आपको धन्यवाद हम इसलिए दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे ध्यानाकर्षण पब्लिक के लिए आप सब जगह थोड़ा थोड़ा कीजिए, हर एक डिपार्टमेंट में। वो डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर है, जर्जर व्यवस्था कैसी है, कोई देखने वाले नहीं है, पोस्टल डिपार्टमेंट जो है। तो हम खाली आपको धन्यवाद दे रहे हैं, कम से कम इतना तो ध्यान हम दिए, हम लोगों की बात कौन सुने? हम लोग हैं ना, सब पर। हाँ, आप सुन रहे हैं, इसीलिए आपको बार बार हम थैंक यू बार बार कह रहे हैं कि हाँ, आपने ऐसा ध्यान दिया। और हर एक डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा पब्लिक से ओपिनियन लेके कहाँ क्या कमी है, जो सरकारी संस्था है उस पर ध्यान आकर्षित कीजिए। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।